दोस्तों, इंटरनेट तो यूज़ करना हम सभी को काफ़ी पसंद होता है। ऐसे में हम सारे लोग गूगल यूज़ करते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें सर्च वगैरह करते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या आप सबको पता है कि डार्क वेब क्या होता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ डार्क वेब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ऐसे में काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, भाई ये डार्क वेब और डीप वेब क्या है, क्या ये डिफरेंट भी है या सेम है? दोस्तों, एक इंटरनेट होता है सरफेस, जो हम सभी यूज़ करते हैं। मान लो आप गूगल या फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, वो होता है सरफेस इंटरनेट, जहाँ सभी अपनी मर्ज़ी से काफ़ी इजीली कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हैं। किसी को मैसेज करना हो, कोई वेबसाइट वगैरह चलानी हो, जो आप सबको पता है, जो आप अभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, वो भी सरफेस इंटरनेट है। दोस्तों, ऐसे में बात आ जाती है डीप वेब और डार्क वेब की। दोस्तों, डीप वेब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो आप अगर अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, तो वो जो पेज आपके सामने है, जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं देख सकता, वो डीप है। या अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका रिजल्ट आया है, तो आप वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और अपना रिजल्ट निकाल देते हैं, तो वो वाला जो पेज है वो है डीप वेब, जो सिर्फ आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर आपके लिए बना है। तो दोस्तों, डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब होता है डॉट ओनियन से उसकी वेबसाइट शुरू होती है। कुछ खास ब्राउजर्स होते हैं जो वो कंपेटिबल होते हैं, वो चलाने के आप गूगल वगैरह से या क्रोम वगैरह से यूज़ नहीं कर सकते। डार्क वेब ये सपोर्ट नहीं होते, क्योंकि वो अलग इंटरनेट है। यहाँ पे अगर डार्क वेब आपने चलाना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टोर ब्राउज़र, जो काफ़ी स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे हम काफ़ी इजीली उस पर डार्क वेब चला लेते हैं। डार्क वेब में वेबसाइट डॉट ओनियन करके होती है, क्योंकि ओनियन में जिस तरह काफ़ी लेयर्स होती हैं, इस डार्क वेब में भी काफ़ी लेयर्स होती हैं इंटरनेट में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डार्क वेब कभी ना चलाइए, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आपने चलाना हो, किसी काम के लिए आपने जाना हो, तो आप सिर्फ डार्क वेब में जाएं, अपना काम करें और वापस आ जाएं। ये और इंटरनेट है जहां आपको फेसबुक वगैरह नहीं मिलेगी, या आपको डॉट ओनियन करके वेबसाइट्स मिलेंगी, जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। आपकी सिक्योरिटी वगैरह इसमें बिल्कुल भी सेफ नहीं होती, और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। हैकर्स वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या इस टाइप के लोग। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी डार्क वेब में ना जाएं। अगर आपने वैसे ही फ्रीली जाने, तो आप कभी भी टोर ब्राउज़र डाउनलोड ना करें। तो दोस्तों, बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।